अशोकनगर के जिला अस्पताल के प्रांगण में बीते 7 दिन से टेंट लगाकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है। इनकी हड़ताल है इस बात को लेकर कि उन्हें नियमितकरण किया जाए। साथ ही बीते कुछ दिनों में इनके जिन लोगों को निलंबित किया गया है उनकी भी बहाली की जाए। आज इसी मांग के समर्थन में 7वें दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने खून से पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लिखे हैं। इस पत्र में उनको अपनी बात ही याद दिलाए गए हैं, साथ ही नियमित करने की भी मांग की गई है। इनका कहना है कि लगातार स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय को वो सेवा के तौर पर करते रहे हैं, मगर उनकी मांगों पर कभी सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया। इसलिए आज इस संगठन ने अपने खून से यह पत्र लिखे हैं। करीब दर्जन भर से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने अपने खून दान किए हैं और करीब करीब 100 से ज़्यादा पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिखे गए हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से अपनी बात कही गई है। इनका कहना है कि ये मांग लंबी चलेगी और जब तक मांग ही नहीं जाएगी इस पर जो है डटे रहेंगे। साथ ही उनका कहना है कि लगातार उनकी हड़ताल पर होने के कारण जिले भर की स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा और व्यापक असर पड़ रहा है और सरकार को इस मामले में जल्द प्रयास करके उनकी नियमितीकरण की मांग को पूरा करना चाहिए। हम लोग हमारी जो एक चरणबद्ध आंदोलन चला रहा है वो 7 से चला आ रहा है, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग 15 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो ये हमारा चरणबद्ध ही चल रहा है। कल हमने ताली और थाली का प्रोग्राम किया था, आज हमारा खून से हमने मामा जी को लेटर लिखे हैं, उनका वादा हम याद दिलवा रहे हैं कि आप मत भूलो, हमें नियमित करो हमें। तो अभी कब तक आपके ये जारी रहेगा, कोई आपको आश्वासन मिला है अभी इसको? आश्वासन तो देखिए मिलते रहते हैं, कई बार पिछली बार भी हड़तालें की हुई हैं तो आश्वासन कई बार दिए गए हैं और तभी हमारी हड़ताल टूटी थी पिछली बार, लेकिन अब की बार कोरे पारे आश्वासन से हम लोग नहीं हटने वाले। जब तक हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं देंगे तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। हमारे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ब्लॉक साडरा से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित इसलिए हुए और जो हमने आज खून से पत्र लिखे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, हम सभी लोग हमारा जो केंद्र शासन ने जो कैडर बनाया है MLHP मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, जिसके तहत हमारी भर्ती की गई है और हमारी जो CHO का जो अस्तित्व है वो 2019 से आया, क्योंकि राज्य शासन ने 2018 से एक नीति बनाई है 90% में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को शामिल कर उनको नियमितीकरण करेंगे। तो हम ये चाहते हैं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कि उसमें हमें भी शामिल किया जाए, शामिल करके ऑटोमेटिकली हमको जो है MLHP कैडर में लाकर हमको नियमित किया जाए। और ये जो हमारी मुख्य मांग है, और अगर ये मुख्य मांग हमारी पूर्ण नहीं होती है, जैसा कि विदित है कि हम 15 से हम जो हड़ताल पर हैं और एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इसी हड़ताल पर हम जो है आगे भी बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती है। और हम ये केंद्र शासन से और राज्य शासन से हमारी जितनी भी गाइडलाइन आती है उसमें ये हम देख चुके हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र पर जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज भारत देश में, आज मध्य प्रदेश में हर कोने कोने में, हर गांव पर, हर उप स्वास्थ्य केंद्र पर रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। तो हमारे सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भाइयों बहनों के साथ में हम इसीलिए खड़े हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को MLHP कैडर में लाकर परमानेंट। तो अभी आपको यहाँ से हटाने के लिए भी कोई नोटिस मिला है कि कोई अल्टीमेटम दिया गया कि आप ये हड़ताल खत्म करें? नहीं, अभी ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं मिला है, परंतु उथल पुथल होने लगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगें पूर्ण होंगी और हमारी जब मांगें पूर्ण होंगी तभी हम यहाँ से हटेंगे।